पेट्रोल की बढ़ती रेट के साथ साथ लोगों को पसंद आ रही है ज़्यादा माइलेज वाली कार्स। अगर आपको भी एक ऐसी कार चाहिए जिसका माइलेज अच्छा हो और 10 लाख रुपए से नीचे भी मिल जाए तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में जो कि आपको हाईएस्ट माइलेज प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ये गाड़ियाँ आपको 10 लाख रुपए से नीचे के रेट में भी मिल जाएगी। अब क्योंकि इंडियन मार्केट में डीजल का क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है तो इसीलिए हम लोग पेट्रोल और सीएनजी कार्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर इन कार्स में से किसी कार में डीजल ऑप्शन भी आपको मिल रहा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो नंबर 10 पर है टाटा टियागो। टाटा टियागो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है। इस कार में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है और ये कार टाटा की तरफ से आने वाली एक अफोर्डेबल हैचबैक कार है। इस कार में आपको पेट्रोल ऑप्शन के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस कार के पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज की बात करें तो 19.01 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा और सीएनजी वेरिएंट की माइलेज की अगर बात करें तो 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको सीएनजी में देखने को मिल जाएगा। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस स्टार्ट हो जाती है 5.6 लाख रुपीस से और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 8.20 लाख रुपीस तक। 9th पोजीशन पर है रेनो क्विड। और ये कार एक एंट्री लेवल हैचबैक होने के बावजूद भी आपको अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड करती है। इस कार में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, सीएनजी का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। इस कार का जो पेट्रोल मैनुअल गियरबॉक्स वेरिएंट है उसका माइलेज है 21.46 किलोमीटर पर लीटर और इसका जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज है 22.3 किलोमीटर पर लीटर। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 4.7 लाख रुपीस से और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 6.45 लाख रुपीस तक। ये सारी प्राइसेस एक शोरूम प्राइसेस है। इसके बाद आ जाती है मारुति सुजुकी बेलेनो। ये कार एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और इस कार में आपको काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स और साथ ही माइलेज भी मिल जाती है। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है उसका माइलेज है 22.35 किलोमीटर पर लीटर और इसका जो AMT वर्जन है उसका माइलेज है 22.9 किलोमीटर पर लीटर। इस कार में आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ सीएनजी इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसका जो सीएनजी वेरिएंट है उसका माइलेज है 30.61 किलोमीटर पर केजी। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 6.61 लाख रुपीज से और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 9.88 लाख रुपीज तक। इसके बाद आ जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 22.38 किलोमीटर पर लीटर और इसका जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 22.56 किलोमीटर पर लीटर। ये कार आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ सीएनजी ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और इसका जो सीएनजी वेरिएंट है उसका माइलेज है 30.90 किलोमीटर पर केजी। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 5.99 लाख रुपीज से और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 9.03 लाख रुपीज तक। इसके बाद आता है मारुति सुजुकी डिजायर। 22.41 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट में और इसका जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाता है 22.61 किलोमीटर पर लीटर और इसका जो सीएनजी वेरिएंट है उसका माइलेज है 31.12 किलोमीटर पर केजी। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 6.52 लाख रुपीज से और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 9.39 लाख रुपीज तक। और जितने भी गाड़ियों का प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो लेटेस्ट नवंबर 2023 की प्राइसेस है। नेक्स्ट कार की अगर बात करें तो वो है टाटा एल्ट्रोस। ये हैचबैक कार भी टाटा की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम हैचबैक कार है और माइलेज की बात करें तो इस कार में भी आपको काफी शानदार माइलेज देखने को मिल जाती है। और टाटा एल्ट्रोस के साथ एक और अच्छी बात यह है कि इस कार में आपको पेट्रोल सीएनजी और डीजल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इस कार का जो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका माइलेज है 19.14 किलोमीटर पर लीटर और इस कार का जो पेट्रोल DCT वर्जन है उसका माइलेज है 19.33 किलोमीटर पर लीटर और इस कार में टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका माइलेज है 18.5 किलोमीटर पर लीटर। अब अगर इसका डीजल वेरिएंट की माइलेज की बात करें तो वो है 23.64 किलोमीटर पर लीटर। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 6.60 लाख रुपीज से और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका प्राइस जाती है 10.74 लाख रुपीज तक। इसके बाद आती है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। इस कार में भी आपको बेस्ट माइलेज देखने को मिल जाती है। इस कार में आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ
CNG इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 24.39 किलोमीटर पर लीटर, और इसका जो AMT वर्जन है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 24.9 किलोमीटर पर लीटर, और इसका जो CNG वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 33.85 किलोमीटर पर KG। अब क्योंकि ये मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है तो इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल आपको मिल जाती है। प्राइस की अगर बात करें तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है 3.99 लाख रुपीस से, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका कीमत जाती है 5.96 लाख रुपीस तक। इसके बाद आता है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इसका जो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 24.12 किलोमीटर पर लीटर, और AMT वर्जन में आपको माइलेज मिल जाती है 25.3 किलोमीटर पर लीटर। इसमें भी आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है जिसका माइलेज आपको मिल जाएगा 32.73 किलोमीटर पर KG। इसका प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ 4.72 लाख रुपीस से इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका कीमत जाती है 6.12 लाख रुपीस तक। इसके बाद आती है मारुति सुजुकी वैगनआर। ये भी एक हैचबैक सेगमेंट की कार है और इस कार में आपको काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाती है, और इसीलिए ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और नॉर्मली टॉप 3 पोजीशन पर ये कार हमेशा रहती है। मारुति सुजुकी वैगनर में जो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है उसका मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज की अगर बात करें तो वो है 24.35 किलोमीटर पर लीटर, और इसी इंजन के साथ जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज है 25.19 किलोमीटर पर लीटर। साथ ही इस कार में आपको 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसका माइलेज की अगर बात करें तो उसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 23.56 किलोमीटर पर लीटर, और उसका जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज आपको मिल जाती है 24.43 किलोमीटर पर लीटर। और इस कार में आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और इसका माइलेज है 34.05 किलोमीटर पर KG। तो इस कार में आपको सारे इंजन ऑप्शन में काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाती है। अब इस कार की प्राइस की अगर बात करें तो 5.55 लाख रुपीस से इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका प्राइस जाती है 7.43 लाख रुपीस तक। अब चलिए नंबर 1 पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी सेलेरियो। अब इस कार को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया, और इस कार में काफ़ी अच्छा खासा अपडेट आने के बाद भी इस कार का सेल्स कुछ खास नहीं रही। हमेशा 5000 यूनिट के नीचे ही इसका सेल्स रहती है, लेकिन माइलेज और स्पेस की अगर बात करें तो ये कार काफ़ी अच्छा है। इस कार में भी आपको पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट की माइलेज की बात करें तो वो है 25.19 किलोमीटर पर लीटर, और इसका जो AMT वेरिएंट है उसका माइलेज है 26.23 किलोमीटर पर लीटर। अब इसका CNG वेरिएंट जो है उसका माइलेज की अगर बात करें तो वो है 34.43 किलोमीटर पर KG। इस कार में सिर्फ आपको 1 लीटर का ही पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ CNG का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। प्राइस की अगर बात करें तो इस कार का प्राइस शुरू हो जाती है 5.37 लाख रुपीस से, और इसका जो टॉप एंड मॉडल है उसका कीमत जाती है 7.15 लाख रुपीस तक। तो ये थे टॉप 10 कार्स जिसमें आपको सबसे ज्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा। वैसे वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।